दादी चले? हाँ हाँ बस हो गया हो गया हो गया। लो जी हम तो अपनी प्रज्ञा की शादी के लिए तैयार हो गए हैं। हाँ जी, अगर मुझे पहले ये पता होता कि प्रज्ञा ही दुल्हन बनने वाली है तो मैं तो डिजाइनर से डिजाइनर सूट बनवाती। वैसे दादी किसी को हम पे शक तो नहीं होगा, क्योंकि वैसे तो हमें तनु पसंद नहीं है और तैयार हम ऐसे हो गए जैसे हम इस शादी से बहुत ही खुश हैं। अरे तो इसमें क्या हुआ, अगर कोई रोकेगा टोकेगा तो हम कह देंगे कि अभी की खुशी के लिए हम तैयार हुए, कहीं अभी की बदनामी ना हो जाए। अब मैं ना दुल्हन को लेके नीचे जाती हूँ, मतलब उनकी तनु को, अपनी प्रज्ञा को अपने अभी के साथ जाकर बिठा देना है बस। चल बेटा ओढ़ ले घूंघट। चल चलो 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 चलो। क्या हुआ? तूने तो डरा के रख दिया। दीदी बात डरने वाली है। क्यों, क्या हुआ? क्या है ना पूरब, हमने एक काम तो कर दिया लेकिन दूसरे काम पे ध्यान ही नहीं दिया है। कौन सा काम? अरे दीदी हम प्रज्ञा को तैयार करने में ये भूल गए कि इस घर में दो दुल्हन है। हाँ तो क्या दादी आप प्लीज बताएंगी बात क्या है? बेटा बात ही तो सही करने की कोशिश कर रही हूँ कि मंडप में टेंशन ना हो। तुम दोनों अगर दुल्हन वहाँ एक साथ पहुँच गई तो क्या होगा, और जब तुम पहुँचोगी और उसी वक्त आलिया अगर तनु को दुल्हन के रूप में ले आई तो क्या करेंगे हम लोग? बस तुझे तैयार करने में हम सब ये बातें भूल गए कि आखिर वहाँ एक दुल्हन और भी है, और अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि हम तनु को कैसे रोकेंगे। दीदी इतनी बड़ी बात हमने कैसे नहीं सोची है? दादी कहीं वो तनु जाके ऑलरेडी मंडप पे बैठ गई हो तो? नहीं नहीं ऐसा हुआ तो शादी तो तनु की हो जाएगी ना, हम तनु को बीच में उठा के इसे तो नहीं बिठा सकते ना। हाँ अरे दादी ऐसे मत बोलो, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। अरे पूरब रहने दे, वो मॉडल है उसको तैयार होने में बहुत देर लगती, देखना अब तक तो तैयारी हो रही होगी। वो तू सोच ना क्या करना है, वो नीचे चलेगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दादी आप ये काम मुझ पे छोड़ दो, तनु को नीचे जाने से कैसे रोकना है ये मैं संभाल लूं। तो तू क्या करेगा, उसको किडनैप करके ले जाएगा? नहीं पूरा तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, वो ऑलरेडी तुमसे नाराज है। अगर तुमने तनु को किडनैप करने के बारे में सोचा भी ना कहीं तुमसे दोस्ती ना तोड़ ले। अरे मैंने कब कहा कि मैं उसे किडनैप कर रहा हूँ? तो क्या करेगा तू? नहीं बस बेहोशी की दवाई सुखाकर उसे बेहोश कर दूंगा और किसी कमरे में लॉक कर दूंगा। पहले आलिया, फिर तनु की माँ, सबके सब मेरे दुश्मन बने हुए। कुछ काम ना भी हो ना तो भी मुझे काम देते, जैसे घर में उन्हें कोई मिलता ही नहीं है। निकल। कहाँ जा रही तू? दासी आपको तो पता ही है ना, दादी ने मुझसे कहा था कि वो स्पेशल वाले गुरुजी के लिए ठंडा वगैरह लाओ, तो मैं वो लेने जा रही थी तो आलिया मिल गई। उसने मुझे कहा कि तनु को लेकर आओ, तो मैं बस तनु को लेने के लिए जा रही हूँ। अच्छा वो मैंने देख लिया, वरना ये तो पूरब का काम ही खराब कर दी थी। ओए मिताली 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 तो उसे लेने क्यों जा रही है? हाँ ये कौन सी बात हुई भला, मतलब उसे लेने नहीं जाऊंगी तो शादी किससे होगी फिर? अरे शादी तो एक और चीज है जिससे नहीं होगी। क्या? वहाँ पे टेबल पे मिठाई के डब्बे रखे, उसे तू अलग अलग डब्बे के अंदर पैक कर, उसे शगुन के तौर पे हमें रिश्तेदारों को देना है। अगर हम वो नहीं देंगे तो शादी कैसे होगी? दासी कैसी बातें कर रहे हो आप, ये सब काम तो शादी के बाद के होते हैं ना, तो बाद में करेंगे ना। अरे बेटा शादी के बाद कोई थक जाता है, किसी को नींद आ जाती है, किसी को कुछ हो जाता है, तो ये काम हम शादी से पहले निपटा लेते हैं ना। तो मैं तो अभी से थकी हुई हूँ ना, मैं ये काम बाद में करूंगी अभी मैं। ओए सीधी तरह जाती है या दीदी को बुलाऊं? जा रही हूँ मैं, जा पहले आलिया फिर तनु की माँ और अब दासी। मिताली लिस्ट तो तेरी बढ़ती जा रही है, तेरे को कोई मतलब ना आराम नहीं करने देगा। ये तुम्हारे फेस पे क्या लगा है? क्या? ये तुम्हारी राइट आंख के नीचे। कहाँ है? कुछ भी तो नहीं है। अरे है ना, ठीक से देखो। अरे जब कुछ है ही नहीं तो दिखाई कहाँ से देगा? अब तुम्हारी आंख के नीचे है तो तुम्हें कैसे दिखाई देगा? मिरर में तो दिखाई देगा ना, कुछ भी नहीं है। ये देखो, मुझे यहाँ से दिख रहा है। कुछ भी नहीं है। अरे ये है ना यार, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? ये देखो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे बेहोश करना चाहते थे ताकि तुम प्रज्ञा की शादी धोखे से करवाओ। हाँ, लेकिन अब देखो, मैं अभी को सब कुछ बताऊंगी और तुम्हारा क्या हाल करता है। तनु मेरी बात सुनो, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। अरे देखो, इसमें कुछ नहीं है, देखो कुछ नहीं है, इसमें कोई दवाई नहीं है। मुझे बेवकूफ बना रहे हो तुम। हाँ, ये दिखा के। मैं जानती हूँ तुम सब लोग प्लान कर रहे थे मेरी शादी रोकने के लिए, लेकिन मैं अभी तो सब कुछ बताऊंगी और वो तुम्हें इस घर से बाहर निकालेगा। तुम बस देखते जाओ, मैं तुम्हें छोड़ू। तनु, तनु मेरी बात सुनो। मुझे चक्कर। हे टिपुरा, तुमने ठीक नहीं किया। मुझे बेहोश। तनु कहाँ है? उसे यहाँ लेकर आना था क्या? नहीं, मेरा मतलब है काम हो गया। एक मिनट दादी, एक मिनट, मैं जरा सांस ले लूं। हाँ, पीले पीले पानी पीले पीले। आप बताना जल्दी ना, तनु बेहोश हुई कि नहीं? अरे होते होते हुआ है दादी। मतलब? अरे मतलब बाल बाल बचाऊं। अरे पकड़ लिया था उसने मुझे, और वो भी तब जब मैं उसे बेहोश करने वाला था। अरे मैं तो उसे ऐसे अंडर एस्टिमेट कर रहा था यार। तूने उसे बेहोश किया कि नहीं? दादी मैंने भी हार नहीं मानी, बेहोश करके दम लिया उसे। शुक्र। और बाथरूम में लॉक भी कर दिया। शाबाश बेटा, शाबाश। प्रज्ञा की शादी के लिए तनु का बेहोश होना बहुत जरूरी था। तूने तो बिल्ली के गले में घंटी बांधने जैसा काम किया है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन बेटा। थैंक यू दादी, थैंक यू। और दीदी रुको रुको, उससे भी ज्यादा जरूरी काम मैंने किया है। वो दूसरी बिल्ली को अपना रास्ता काटने से रोका है। हाँ। कौन सी बिल्ली? अरे दीदी वही मिताली, कुछ भी होता है तो सूंघती हुई चली आती है। वो तो तनु को लेने आ रही थी, मैंने उसे रोक दिया। हाँ। अरे दासी, आपको हाथापाई तो नहीं करनी पड़ी? हा? अरे वो तनु तो मुझसे लड़ रही थी। अरे अपनी हील दे मारी मेरे पैर पे, सबको चिल्ला चिल्ला के बुलाने वाली थी। हाय रब्बा। और मैंने भी हिम्मत नहीं हारी, सब बेहोश किया ना उसे। हाँ। जल्दी कर मिताली, जाकर ये खबर सबको बता दे, नहीं तो इसके लिए भी तुझे ही डांट पड़ेगी। ओए 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 ओए, कहाँ जा रही है घोड़े पे सवार होकर? और एक दादी, दासी, मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। तनु अपने कमरे में नहीं है। तनु जल्दी चलो, वो जितना दूल्हा इंतजार नहीं कर रहा है उतना तो दूल्हे की बहन इंतजार कर रही है तुम्हारा। गए काम से, आलिया आ गई है, अब कहीं ये घूंघट ना उठा दे। दादी, दादी मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आप चलिए मेरे साथ। ये यहाँ क्यों आए? लगता है अब तो कोई गड़बड़ होकर रहेगी।